सर हमने ये देखने को मिला है कि आपने जो बिल दिए थे संसद को संपूर्ण चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए, उसके बाद में ये सारी कवायद शुरू होती हुई दिख रही है, तो आप कितना असर मानते हैं आपके बिल का इस सारी देखिए, चीजों में? 2017 का ये बिल है, ये बिल मैं आपके आगे बता रहा हूं, ये मैंने कैलकुलेशंस करके दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का कैलकुलेशन है। सेकंड शेड्यूल में लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं का कैलकुलेशन है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कैलकुलेशन है। फोर्थ शेड्यूल में जो है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा का जो है वो कैलकुलेशन है। मैंने कैलकुलेशन करके दिया कि भारत के अंदर में मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए, लोकसभा में 675 मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए, राज्यसभा में और 6,382 एमएलए होना चाहिए, जो अभी 4,000 समथिंग कुछ है उससे बढ़कर। ये 2017 के जो मेरे बिल्स है, जो 10 बिल्स के जो अंदर के, ये कुछ बिल्स की आप कॉपीज देख रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ये पार्ट जो है कैलकुलेशन का जो है, वो कैलकुलेशन का पार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कैलकुलेशन जो है, मैंने भारत के अंदर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और मिक्स मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी एफपीटीपी की दो मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाइब्रिड सिस्टम में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एससी एसटी का रिजर्वेशन भी कैलकुलेट करके दिया, स्टेट वाइज करके दिया और हर हाउस का करके दिया। उसके बाद 2017 के बाद जो है, पिछले साल से हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि नया पार्लियामेंट बनाने के लिए सरकार ने जो है वो पहल की है, और वो पहल जो है इतनी जबरदस्त वो की है कि 2022 तक उसको वो करके कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आप तो 2014 में चुनकर आए, 2014 से 17 तक आपको ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई, 17-18 में ध्यान में क्यों नहीं आई? मेरे जो बिल 10 समग्र चुनावी व्यवस्था के जब मैंने दिए, उसी के बाद ये जो बात आपको क्यों जो है वो ध्यान में आई, क्योंकि आई एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया जिसने इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक ढंग से स्टडी करके 200 कंट्रीज का, भारत को क्या चुनावी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, इसका जो है प्रॉपर बिल्स बना के दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी बिल्स है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961, डिलिमिटेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, आईटी एक्ट है, फिर केबल रेगुलेटरी और ट्राई का जो एक्ट है, इसमें अलग अलग जगह कैसे कैसे प्रोविजंस होते हैं वो मैंने कर कर दिए। और उसके बाद ही जो है आज ये सुनने में आ रहा है कि 1,224 या 1,214 जो है वो सांसद रहेंगे, जिसमें 888 जो है वो लोकसभा में होंगे और 314 या 300 सॉरी 316 या 326 जो है वो राज्यसभा में होंगे, ये फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि यदि ये प्रोजेक्शन अगर लोगों का, एक एमपी और लोगों का अगर परसेंटेज को यदि देखे, तो आज भी जो है मैं समझता हूं कि ये जो मेंबर पार्लियामेंट की संख्या बढ़ाई जा रही है वो पर्याप्त नहीं होगी। उसका मैं, मेरा फॉर्मूला और जो सरकार का मोटा फॉर्मूला है वो दे रहा हूं। हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसमें 10 करोड़ भारत की आबादी बढ़ जाती है, यानी आज लगभग 2021 का यदि जनगणना होती तो हमारी आबादी मोटे तौर पर 140 करोड़ होती, और हर 10 साल में हमारी 10-10 करोड़ से बढ़ेगी, यानी 140 की 150 करोड़ 31 में होगी, 160 करोड़ 200 2041 में होगी, 2051 में 170 करोड़ होगी, और 50 के बाद, 2050 के बाद फिर जो हमारा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो स्टेबलाइज होगा, वहां हमारी जनसंख्या स्टेबलाइज होगी और फिर धीरे धीरे नीचे आएगी। अगर ये कैलकुलेशन को देखा जाए तो मैं मेरा फॉर्मूला बताता हूं और गवर्नमेंट का फॉर्मूला अभी जो निकाल रहे वो बताता हूं। मैंने कहा था लोकसभा में 1,500 एमपी होने चाहिए, आज के लिहाज से 9,33,000 लोगों पर एक एमपी होता है अगर केवल लोकसभा का कैलकुलेशन करें तो। अभी गवर्नमेंट के फॉर्मूले में 888 अगर मेंबर पार्लियामेंट है तो 15,76,000 जो है ये कैलकुलेशन होता है। अगर 2031 में 10 करोड़ लोग बढ़ते तो मेरे फॉर्मूले से 10 लाख होगा, गवर्नमेंट के फॉर्मूले से 16,90,000 जो है लोगों पर एक सांसद होगा, 41 में मेरे फॉर्मूले में 10,66,000 पर एक सांसद होगा, गवर्नमेंट के फॉर्मूले से 18,01,000 जो है लोगों पर एक सांसद होगा, 2051 में 11,33,000 पर मेरे फॉर्मूले से एक सांसद होगा, गवर्नमेंट के फॉर्मूले से 19,14,000 पर एक सांसद होगा। अगर मैं एवरेज निकालू तो मेरे फॉर्मूले में 2051 तक 9,33,000 से लेके 11,33,000 तक लोकसभा का एक सांसद, लोगों का अगर एवरेज निकाले
तो 9,33,000 से लेके 11,33,000 इतना मेरा बीच में एवरेज आएगा, और गवर्नमेंट का फॉर्मूला देखे तो 15,76,000 से लेके 19,14,000 का ये गवर्नमेंट का फॉर्मूला आएगा। केवल यदि लोकसभा और लोगों का रेशियो देखा जाए तो, यदि टोटल सांसद को मैं पकड़ लूं लोकसभा और राज्यसभा के, तो मेरे फॉर्मूले में 2175 होते हैं और गवर्नमेंट के फॉर्मूले में 1224 या 1214 का फॉर्मूला आ रहा है। तो मैं दोनों फॉर्मूले बता देता हूं। मेरे फॉर्मूले में आज के तारीख में टोटल एमपी लोकसभा राज्यसभा का जो मैंने 2175 कहा है उसमें 6,43,000 पर एक सांसद होगा, गवर्नमेंट के इसमें 11,43,000 पर एक सांसद होगा, 2031 में 6,90,000 पर एक सांसद मेरे इसमें होगा, गवर्नमेंट के इसमें 12,25,000 पर एक सांसद होगा, मेरे इसमें 41 में 7,35,000 पर एक सांसद होगा, गवर्नमेंट के फॉर्मूले में 13,07,000 पर एक सांसद होगा, 2051 में मेरे फॉर्मूले में 7,81,000 पर एक सांसद होगा, गवर्नमेंट के फॉर्मूले से 13,88,000 का ऊपर एक सांसद होगा, फिर अगर एवरेज में मिला लूं तो 6,43,000 से लेके 7,81,000 लोगों पर टोटल एमपी यदि मैं मेरे फॉर्मूले में पकड़ू 2175 लोकसभा और राज्यसभा के, तो 6,43,000 से 7,81,000 2051 भी हो जाएगा तो भी ये मेरा एवरेज आएगा। गवर्नमेंट का एवरेज 11,43,000 से लेके 14 लाख तक का जो है एवरेज एक सांसद का आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में लगभग 6 लाख पर एक सांसद है टोटल दोनों हाउस का अगर पकड़ा जाए, तो हमारे देश में अगर गवर्नमेंट का फॉर्मूला लिया जाए तो फिर भी जो है वो 11.5 लाख से लेके 14 लाख तक का जो है वो फॉर्मूला आ रहा है। मेरे फॉर्मूले में 6.5 लाख से लेके लगभग 8 लाख का फॉर्मूला आ रहा है, 2% का वेरिएशन इधर उधर आप पकड़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं बातें हैं, तो ये बातें जो है बड़ी स्पष्ट है, और ये जो बातें जो स्पष्ट है तो उस लिहाज से जो है मैं ये समझता हूँ कि इसमें कैलकुलेशंस में अभी भी प्रॉपर जो है वो रिकंसिलेशन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट की कमिटीज़ ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, और एक बार संसद यदि बन जाएगा और उसकी कैपेसिटी केवल 1214 या 1224 जो भी आप कह रहे अगर वो हो जाएगी, तो उसके बाद अगर संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ती तो आप उनको कहाँ बैठाएंगे, तो क्या फिर और फिर तोड़कर संसद बनाएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि 6 से 7 लाख के ऊपर टोटल एमपीस का जो है एक एमपी होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। यह आइडियल प्रपोजिशन है वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज का, उसी को हमने फॉलो करना चाहिए, और हमने जो है ये 11.5 लाख से 14 लाख का जो रेशियो है उसके तरफ में नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस पर संसद और सरकार जो है वो ध्यान देंगी, और मेरे जो 10 बिल्स है उसके ऊपर में केवल संख्या बढ़ाने से एमपी के काम नहीं चलेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाना पड़ेगा डबल मेंबर एफपीटीपी के साथ। सबको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज और कैंडिडेट्स को बजट से या नेशनल इलेक्टोरल फंड से पैसा मिलना चाहिए, प्राइवेट फंडिंग जो है कंपनीज जो देती है पार्टीज को उस पर सीलिंग लगाना होगा, मीडिया रेगुलेशन बनाना होगा, और ठीक ढंग से जो है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करनी होगी, और ईवीएम से ये चुनाव के जगह बैलेट से चुनाव कराने होंगे। आप देखें ना अमेरिका में जो है वोटिंग हो जाने के बाद रिजल्ट कंफर्मेशन के लिए 12 दिन लगते हैं, और उसके बाद कोर्ट केसेस के लिए 1-1 महीना होता है, तब जाके जो है फाइनली डिसाइड करके डिक्लेयर किया जाता है कि नहीं ये राष्ट्रपति चुने गए। अगर अमेरिका जैसे जो है सबसे पुराना एक लोकतंत्र है, सबसे प्रगत कंट्री है, उसमें अगर जो है 1 महीना उन रुक सकते हैं वो चुनाव को डिक्लेयर करने के लिए, तो हमको क्या जल्दबाजी है कि एक दिन के अंदर ईवीएम के माध्यम से जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ दिस इज नॉट अ साइन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये जो नई संसद बन रही है तो ये अच्छी बात है, और मेरे वजह से लोकसभा के एमपीज बढ़े हैं, लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं है ऐसा मेरा मानना है।